देवास जिले के बामनखेड़ा क्षेत्र में अवैध कॉलोनी के निर्माण को आज स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा तोड़ा गया। यहां हो रहे निर्माण को लेकर कहा जा रहा है कि बगैर अनुमति कॉलोनी काट दी गई, जिसकी शिकायत जिला प्रशासन को की गई, जिसके बाद आज देवास निगम ने ध्वस्त कर दिया। आज सुबह निगम की टीम एबी रोड के प्रेस्टीज कॉलोनी पहुंची। यहां रोड से लगे मेन गेट पर जेसीबी का पंजा चलाया गया। काफी देर की मशक्कत के बाद यहां गेट को गिरा दिया। यह कार्रवाई सबसे ज्यादा चर्चा में रही, क्योंकि मेन गेट को तोड़ने की अधूरी कार्रवाई कर रही निगम की टीम लौट गई। मैंने प्लाट सर, मेरे को पता नहीं था कि ये लगभग तो बोला कितने में खरीदा था? 7 लाख में। 7 लाख में रजिस्ट्री समेत 8 लाख। किससे खरीदा था? देवेन बारोड से। ये कौन है? ये पार्षद है सर, बामनखेड़ा के। और हाँ, ये हम जानते नहीं सर कि इसमें एनओसी है, गरीब लोग है, जानते नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, मजदूरी तो करते, बच्चा यही बेलदारी का काम कर रही है अभी गिरिराज धाम में। और ये मैं आज पानी की मौसम की वजह से चप्पल भी नहीं है मेरे पैरों में। और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए नहीं कि ऐसी जमीन नहीं देते अपन गरीब लोगों को। कितने ज्यादा प्लाट है आपने? देखिए, आज एकाएक नगर निगम की टीम आ गई है कॉलेज के जो है मुख्य गेट तोड़ने, तो हमारा निवेदन ये है कि आप हमको थोड़ा समय देते तो हम खुद ही व्यवस्थित तरीके से मेन गेट अंदर शिफ्ट कर देते। हमने कार्रवाई भी स्टार्ट कर दी है, लेकिन प्रशासन हमको समय नहीं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए देवास से राजेश कुमार की रिपोर्ट।